व्हाइट स्पॉट डिजीज की जो बात करें, व्हाइट स्पॉट डिजीज नहीं आया था। जो दुनिया में व्हाइट स्पॉट डिजीज आता था वो इस तरह से आता था कि मैंने तालाब खोदा, पानी डाला, इसमें ब्लैकिश वाटर आपको चाहिए, मतलब खारा और मीठा मिक्स। वेनमाई जो है वो 5 से लेकर 40 PPT में पल जाता है, लेकिन इसकी ऑप्टिमल ग्रोथ होती है 15 से 25 PPT के अंदर। तो आप, और हमने तो खैर जीरो में भी पाला हुआ है, लेकिन आप अभी उसको नहीं करें कि जीरो में आपने पालना है, उसको एक्लेटमाइज करना एक अलग तरीका है। लेकिन 5 से लेकर 40 में वेनमाई सर्वाइव कर जाता है और 7 से लेकर 40 तक मोनोडॉन सर्वाइव कर जाता है और पल जाता है उसमें। तो होता क्या था कि आपने तालाब खोदा, तालाब खोद के झींगे का बच्चा डाला, झींगे का बच्चा आपने उसको बड़ा किया, 200 किलो तक बड़ा किया, पानी को ड्रेन आउट कर दिया, जो नालियाँ या जो हमारे घरों में जैसे फार्म है, घरों में जो जो आ रही होती है, क्या कहते हैं उसको, जिसमें सेम नाला, उसमें आपने ड्रेन कर दिया, अब वही पानी जो है दूसरे फार्म ने उठा लिया। तो इस तरह डिजीज ट्रांसफर हो रही है, डिजीज आ रही है। तो ये सारा फिर क्या हुआ कि जिसने पैसे कमाने थे सबने पैसे कमा लिए, श्रिम फार्मिंग खत्म हो गई एकदम से, श्रिम फार्मिंग खत्म हो गई दुनिया, मतलब सफाई हस्ती से खत्म हो गई। उसके बाद 1993 था या 2 था उसमें फिर दोबारा से उठी, फिर उन्होंने कहा कि अब जो है हम जो वाटर इनटेक है, वाटर इनटेक को पहले ट्रीट करेंगे, ताकि जो दूसरे फार्मों का जो पानी आ रहा है, तो फिर वाटर इनटेक को ट्रीट करना शुरू किया। लेकिन क्या किया, वाटर इनटेक को ट्रीट कर रहे थे, जो एक्सक्रीट कर रहे थे मतलब जो निकाल रहे थे उसको ट्रीट नहीं कर रहे थे। फिर लॉज आने शुरू हुए कि इनटेक को तो ट्रीट कर रहा हूँ अपने लिए, और जो बाहर निकाल रहा हूँ उसको भी ट्रीट करके बाहर निकाल सकता हूँ, वरना। और ये सब मुल्क की जो एक्वाकल्चर पॉलिसी होती है उसके अंदर स्टेटेड होते हैं, थाईलैंड वगैरह जहाँ जहाँ भी हो रही है सब जगह ये लॉज है। इनफैक्ट आपकी जो इंडस्ट्री होती है यहाँ पे, उसमें भी एक CSR का कॉलम होता है जिसके पैसे होते हैं, ये स्टैंडर्ड होते हैं, आपको ये काम करना होता है, हम भी करेंगे, हमारा भी ये फर्ज बनता है। तो जो व्हाइट स्पॉट जो पाकिस्तान के झींगों में जो बताई जा रही थी, वो था क्या कि किसी को वो झींगा मिला, उस इंसान ने इंडिया से भी झींगा लिया हुआ था और पाकिस्तान से भी लिया हुआ था, तो मिक्स हो गया झींगा। अब उसमें किसी के अच्छा भी नहीं बता सकता कि ये पाकिस्तान का इंडिया का है, तो पाकिस्तान का तो वो था वाइल्ड गॉट है, उसमें तो इस तरह से डिजीज आ ही नहीं सकती। जो WSSV आती है, W वो वाली नहीं आती, जो वाइट स्पॉट डिजीज होती है, जो सिंड्रोम होता है वो भी बस कुछ उसकी एक अलग कहानी है जिस वजह से वो होता है। तो मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत ये ऐसे ही है जैसे आप तिलापिया पाल रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये होता है कि आपको फीडिंग का ख्याल रखना होता है। हम लोग समझते हैं कि श्रिम पाल रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, एक ही चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। श्रिम के अंदर आपको फीड कंसिस्टेंट नहीं देनी, ये मेरा मानना है। हो सकता है लोग कंसिस्टेंट देते हैं, लेकिन मैं तो अपने झींगे को कभी भी कंसिस्टेंट फीडिंग नहीं करता, मतलब रोज फीड नहीं करता मैं अपने झींगे को। दिन में 4 दफ़ा पे मैं नहीं कह रहा, दिन में 5 दफ़ा करो फीड, लेकिन रोज करो, लेकिन उसको करो 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 करो, फिर यहाँ पे जाके रोक दो या कम कर दो फीडिंग को, मतलब क्वांटिटी कम कर दो एक दिन के लिए, फिर दोबारा से देना शुरू कर दो। उसकी वजह यह है, मछली ग्रो होती है कंटिन्यूस, ग्रो हो रही है, हो रही है, हो रही है। झींगा स्टेप्स में ग्रो होता है, क्रस्टेशियन है, क्रस्टेशियन जो होता है वो शेल मोल्ड करेगा, ग्रो होगा, जैसी शेल मोल्ड करेगा वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, वो हिल तो सकता नहीं, खाना कहाँ से खाएगा, मेक सेंस। झींगा जो है जब मोल्ड करता है, उसकी 5 स्टेजेस होती हैं, ABCDE, प्री मोल्ड, पोस्ट मोल्ड, इंटर मोल्ड, इस तरह स्टेजेस होती है ये मतलब अगर आप किताब पढ़ेंगे ना कोई भी श्रिम्प फार्मिंग की, तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये वो स्टेज होती है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना है कि झींगा जो है वो, अगर किसी को जैसे नहीं होता, कोई बहुत साइंसदान दिमाग का होता है, मैं नहीं हूँ, लेकिन कोई कहेगा ना, अच्छा यार ये अभी कौन सी स्टेज पे है, आप ये भी बता सकते हैं। उसके लिए झींगे को पकड़ें, उसकी जो दो मैं पीछे से उसको काटें, थोड़ा सा रैंडम सेलेक्शन करें, उसके कलर को माइक्रोस्कोप में देखें, तो ये भी एक साइंस है, ये साइंटिफिक, मतलब अगर किसी को शौक है करने का, तो ये जो एक्वाकल्चर की जो डिग्रियां होती है 4-4 साल की, क्या पढ़ा रहे होते हैं। अभी FDB आपको 15 दिन में श्रिम्प फार्मिंग बता रहा है, जो 15 दिन भी ज़्यादा है, तो साइंस में क्या पढ़ा रहे हैं, यही चीज़ें आपको पढ़ा रहे होते हैं। हीमोसाइटोमीटर है, उसको कैसे देखना है, एल्गे के सेल्स कैसे देखने हैं, ये कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रहे होते हैं। किसी को और कोई सवाल या कोई समझता है अभी भी कि श्रिम्प फार्मिंग,
कोशिश तो हमारी यही, इसीलिए कहते हैं कि एक ही हैचरी से बच्चा लो, एक ही साइज की स्टॉकिंग करो, जितनी अच्छी आपको पीछे से आ रहा है ना उतना अच्छा आगे चल रहा होता है। देखिए सब इकट्ठा मोल्ड तो करते नहीं है, लेकिन आपने उसकी मतलब उसके पूरे फिर प्रॉपर एक्सेल शीट पे आपने चार्ट्स बनाने हैं, फिर आपने रैंडम सैंपलिंग करनी है, फिर आपका पूरा एक डेटा बैंक बनता है, पूरा एक लंबा प्रोसीजर है वो। और ये जैसे ये जो एक्वाकल्चरिस्ट होते हैं ना, जो कंसल्टेंट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप श्रिम फार्मिंग कर रहे हैं ना, अगर बड़े स्केल पे कर रहे हैं, अगर लो लेवल पे आपको सीखना है उसको और सीख के करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी, लेकिन ये चीज़ें दिमाग में रखें। वरना किसी भी एक्वाकल्चरिस्ट को हायर कर लें, बाहर से भी कंसल्ट कर देता है, यहाँ पे भी कंसल्ट करता है, तो आप उसको हायर करके आप एक दफ़ा, क्योंकि उसका एक तजर्बा है, एक अरसे का तजर्बा है, वो एक अरसे से एक काम कर रहा है उसकी। हाँ ये लोग पैसे बहुत लेते हैं, और पैसों के अलावा ये आते भी नहीं है, आते बड़ी मुश्किल से हैं, ये बहुत इशू होता है, ये एक सीरियस कंसर्न है। आई नो बट आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल, एंड मतलब वो अगर बताना चाहे तो बता, आप पूछ सकते हैं उससे, वो बताना चाहे, बट वैसे जनरली मैं आपको बताऊं तकरीबन नहीं, ये इसमें जनरली होता क्या है, जैसे मेरा, मैं अपने एक कंसल्टेंट है, उसने मेरे से मांगे, खैर मैंने उसको कुछ और बोला था उसको मैंने, होता क्या, एक होता है बड़ा, एक होता है उसका छोटू, समझ गए आप। हाँ। जो बड़ा होता है ना वो मांगेगा $20,000, वो आएगा भी समझो कि शुरू में आएगा और एंड में आएगा, लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब एटलीस्ट 5 एकड़, जैसे हम जो बात कर रहे हैं इसमें एटलीस्ट 5 एकड़, 5 एकड़ का मतलब 100 टन की बात कर रहे हैं आप, तो इट्स नॉट हैवी ऑन द पॉकेट, तो वो आपसे मांगेगा $20,000 बड़ा जो है, और जो छोटू होंगे, दो छोटू होंगे, वो तकरीबन जो है ये आपको $1,500 या $2,000 के अंदर दो छोटू दे देगा, उसको आपको अकोमोडेशन, उसका एयरफेयर, सब कुछ उसका बर्दाश्त करना है, प्लस ये $2,000 उसको देने हैं, और देखकर वो यहाँ पर आता है, 4-3 महीने रहता है वो, 3 महीने का आपने उसको देना है और 20,000 आपने उसको देना है बड़े को। फिर एक दफ़ा आपकी जब दोस्ती वगैरह सब हो जाती है तो फिर वो मतलब फिर दोस्ती यारी, लेकिन जहाँ से ये शुरू करते हैं ना, जो ये मांगना शुरू करते हैं, यहाँ से मेरा ये था, मेरे से उसने 20,000 मांगे, तो मैंने कहा यार मैं तो 20,000 नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ $1,500 महीने के दूंगा, और वो अग्री कर गया कि ठीक है, और उसने मुझे हैचरी भी करके देनी थी उसमें, और उसने मुझे ग्रो आउट सब कुछ करके देना था, लेकिन बस फिर वो नहीं, उसने बोला कि यार 20,000 तुम मुझे दोगे और 1500 मेरे बंदे को दोगे, तो मैंने उसको बोला कि यार मैं हीरोइन नहीं बेच रहा, ठीक है बोल रहा हूँ, मतलब यार देखो मांगने को तो आप भी जब झींगा इंशाल्लाह आप लोग रेस करेंगे तो आप बोलेंगे हाँ मैं 2000 का बेचता हूँ, तो मांगने में क्या यार, मांग तो सकते हो, मांगने में तो कोई मसला नहीं है। उसने मांगा लेकिन मैंने उसको, उस वक्त उसके पास ऑफर हो सकता है, हो किसी की, अब एक बंदा अपना, मैं यहाँ से अगर जाऊँगा यार, बीवी बच्चे माँ बाप सब बंदा छोड़ के जा रहा है, तो मुंह खोल कर ही मांगेगा ना वो, वन टाइम 20,000 वो मांगता है कि आप वन टाइम मुझे दे दे, फिर वो क्या करता है, फिर आपको सपोर्ट में रहता है ना, आपको कंसल्ट, मतलब वो भी, वो छोटू को भी तो बताना है ना किसी ने, छोटू जो होते हैं उनको इतना तजर्बा, अभी 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि पर गारंटीड हो जाता है ना कि 100% आपकी फार्मिंग सक्सेसफुल होती ही होती है। अब मैं हूँ, मुझे 0.001% आती है श्रिम्प फार्मिंग, अब मैं कुछ होगा, हो सकता है मुझे ना पता है किसी चीज़ का, 10-15 चीज़ें 20 चीज़ें 100 चीज़ें होंगी मुझे नहीं, लेकिन उसने तो सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ फेस किया होगा ना। देखें